नमस्कार, मैं हूं आपका अपना श्रीकांत सिन्हा, लेकर आया हूं बिहार की बात सुनाता हूं। स्वागत करता हूं आपका आज के इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महान कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में जो रचनाएं लिखी उनमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांति और देशभक्ति का ऐसा जीवंत चित्रण मिलता है जो हर भारतीय के दिल को छू जाता है। दिनकर जी को उनकी कविताओं में वीर रस के महारथी के रूप में जाना जाता है। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने अपनी कविताओं से न केवल जनता को जागरूक किया बल्कि आजादी के सपने को एक नई दिशा भी दी। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा और हुंकार आज भी उतनी प्रभावशाली है जितनी अपने समय में थी। दिनकर जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक असमानता और राजनीतिक दुर्व्यवस्था पर कठोर प्रहार किया। उनका चिंतन और साहित्य तब भी प्रासंगिक था और आज भी है। उनकी काव्य रचनाओं में कृष्ण और कर्ण के रूप में नया दर्शन मिलता है। दिनकर के रश्मि रथी में कर्ण का संघर्ष, व्यथा और प्रतिभा का ऐसा चित्रण है जो हमारे दिल को अंदर तक झकझोर देता है। उन्होंने कर्ण के माध्यम से एक तरह से सामाजिक असमानता और अन्यायों का विरोध किया। जो टूटे फिर ना जुड़े, वो नाता क्यों जोड़े नर, जो अपना साथी नहीं उस पर बलिदान करे नर, ये पंक्तियां कितनी गहरी हैं। दिनकर जी के शब्द हमेशा हमारे जीवन के कठोर सत्य को उजागर करते रहे हैं। उन्होंने भारत की संस्कृति, उसके वीर योद्धाओं और अपने लोक कल्याण के सपनों को अपनी कविताओं में अनंत रूप दिया है। रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनका सबसे बड़ा सम्मान था राष्ट्र कवि का दर्जा, जो उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हासिल किया। लेकिन उनका योगदान केवल साहित्य तक सीमित नहीं था, उन्होंने राजनीति में भी अपनी भूमिका निभाई और राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। उनका साहित्य हमेशा हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र और समाज की उन्नति तभी संभव है जब हम अपने अंदर के साहस और सत्य को पहचानें। आज भी जब हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो हमारा मन एक नए उत्साह से भर जाता है। वीर रस का ऐसा अद्भुत चित्रण और उसमें संवेदना का ऐसा संगम, ये केवल दिनकर जी जैसे कवियों के ही बस की बात थी। तो ये था एक छोटा सा मनन रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन और उनके साहित्य पर। उनकी कविताएं आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं और हमेशा रहेंगी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आपको नमस्कार करता हूँ। मैं हूँ श्रीकांत सिन्हा, सुनाता हूँ बिहार की बात जो दिलों को छू जाए।